जो ये किस्सा किया, अगर आज इन लोगों को ना रोका गया, आज इन लोगों को पूरे वतन में ना रोका गया, तो कसम खुदा की खाक कहता हूँ तुम लोगों के वतन के जितने भी यंग डॉक्टर बेचारे बनने वाले हैं, यंग वकील हैं, सब लोगों को कत्ल कर देंगे ये लोग ऐसे ही। और फिर तुम सब पाकिस्तान हमारा ले जाएगा अगला वारिस। एजुकेटेड तो कोई होगा नहीं, पढ़ा लिखा तो कोई होगा नहीं, हर इंसान को सिर्फ उजार उठाना आता होगा, हर इंसान को प्रोटोकॉल चाहिए होगा। जब एजुकेटेड नहीं होगा तो कैसे लड़ाई करोगे यहूदियों से, कैसे लड़ोगे उन लोगों से जो तुम्हारे वतन को ख़त्म करना। बेसिकली बाहर ऐसा होता है कि अगर सऊदी में चले जाएँ अरब ममालिक में ना, अगर उसे कत्ल करें ना कोई या कुछ जिना करें, जिना की सजा उसको उसी टाइम दी जाती है या उस टाइम में, तो वो दिन मुकर्रर कर लेते हैं देते जरूर है। और अगर कत्ल करें तो कत्ल के बदले उसको भी फांसी पर दे दी जाती है। इधर पाकिस्तान में क्या हुआ कि अभी जो पीछे एक पुलिस अफसर है जिन्होंने एक बंदा था उसने ज्यादा की थी किसी बच्चे के साथ ना, उन्होंने तीनों को गोली मार दी थी, क्या कि वो इलाका बिल्कुल स्थित हो गया। इन लोगों को इस तरह ही होना चाहिए, सीधी सी बात है, जो इस तरह का मामला होता है इनको ही ऐसे हो फिर नेक्स्ट कोई इस तरह की बात नहीं करेगी मेरे ख्याल में। क्या ख्याल है? मैं एग्री करता हूँ बड़े भाई। देखे इंसाफ को किसने लाना है? हम इंसानों ने, हम लोगों ने, सोसाइटी हम लोगों से। बिल्कुल, अगर हम नहीं तो सोसाइटी कहाँ पर? अगर हम लोग हैं मुसल्लत करने वाले, हम लोग हैं। मैं तो कल भी एक वीडियो में ना इधर वो लड़का की वीडियो बना रहा था, मैं तब भी कहा था, और इन लोगों को जो ये जो जो खड़ा करने वाले ना, वो हम जैसे लोग, ये गरीब जिन लोगों ने इनको कभी कुछ कहा ही नहीं, इनकी औकात नहीं किसी अमीर को हाथ लगाएं। अमीर अंदर घुस जाते हैं अपने तल्लुकात के सर पे। रह गई उस बंदे ने चार सवालों के जवाब कैसे देने थे, क्या करने आए थे मेरे मोहल्ले में, ये बड़ी बातें हैं, बड़े सवाल। यही तो सवाल आप पूछने के लिए। हाँ, क्या करने आए थे वहाँ, क्या करने आए थे, क्या वजह थी कि इतना ऐसे घुरू आया? लगा ले के इधर ही इसकी जुबान बात होगी कि मैं क्या जवाब दूँगा इसको। झूठे की ना, झूठे की जुबान का ना कुछ सर ना पाँव होता, झूठा सामने बात नहीं कर सकता। बैठ के भर के ना, मैं ना इंसाफ चाहिए बिल्कुल। हाँ, ये हम राइट पे हैं, और ये कि कानूनी कार्रवाई पे आप देखें ना, अगर देखें अगर मेरा वालिद गुनाहगार होता ना, ज्यादती करने वाला होता, तो मैं कानून की तरफ जाने नहीं था। मैंने कहना था ठीक है लड़ाई हुई है, हमने भी मारा हमारा, या हम भी बदला ले लेंगे, मैं भी इसलाह उठा लूँगा। तो जब मेरा वालिद है ही नहीं, तो मैं फिर क्यों किसी का कत्ल करूँ और ये साबित करूँ कि मेरा वालिद कसूरवार? मेरा तो मौके पर ही है कि मेरा वालिद कसूर है, उसके साथ ज्यादती हुई है। अगर ऐसे ही तुम लोग अच्छे इंसानों को मारोगे, ऐसे ही शरीफ इंसानों को मारते रहोगे, मोहब्बत बांटने वालों को, तो फिर मुआशे में नफरत बांटने वाले पैदा होंगे, सिर्फ नफरत बांटने वाले पैदा। आप सब लोग जीतने के आगे सूर्य ऐसे सूर्य किसने पढ़नी थी सूर्य आप देख जिस वाकई में पढ़नी आती है ना, वो प्लीज इधर बैठ गए, चप्पल बैठ गए। मैं गलत